सत श्रीकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर, ताड़ा सब का स्वागत है साढ़े चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री। तो अज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। छोले भटूरे तो तुम बहुत बार खाते हो गए, पर जोड़े आ छोले भटूरे बनावे ना बिल्कुल सिंपल, तो बिल्कुल मतलब कि बहुत ज़्यादा टेस्टी ही, बिल्कुल होटल वर्गे बनावे। तो वो छोले भटूरे कैसे बनाओगे आओ देखिए। चुल्हा बालिया, डिमांड आ रही थी काफ़ी कि चुल्हे पर काम करो, तो चलो जी चुल्हे पर आ गए। हूँ आप काफ़ी डिमांड आ रही थी कि कहते पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री के नाम तो तुम बनाया तो पंजाबी की लुक नहीं आ रही हैगी, तो अं क्या तुम लुक दे दें, तो कहते चुल्हे पर काम करो, तो आप चुल्हे पर आ गए। सब तो पहले आप एक कड़छी वैजीटेबल ऑयल पा देंगे, या देसी घ्यो जो भी तुहाडे कोल होए वो तुसीं पा सकते हो। सब तो पहले जिहड़े दो टमाटर ने दो तेज पत्ता, एक लाल मिर्च, दालचीनी, वड्डी इलायची, दो लौंग, तो थोड़ी चार तो पांच जड़ी काली मिर्च। दिखा दिखा हूँ इन पता कद्दू कस करके खा लेंगे। हम पा देंगे छोले डेढ़ कौली, हम इतने पानी पा देंगे। देगी मिर्च डेढ़ चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, नमक है डेढ़ चम्मच, आधा चम्मच जीरा, एक आलू है इनू कट के ते ग्राइंड कर लेंगे। आलू से मैं बिल्कुल ग्राइंड कर लिया सी, आलू इस करके पाए जाते हैं ताकि जड़ी सब्जी जड़ी अपनी गाढ़ी बने। हमें ढक्कन लगा के तेन सीटी वास्ते कर लेंगे। अज मैं छोले भटूरे इस करके बना रही हूँ क्योंकि अज मेरे काके का बर्थडे है एक अमदा, तो हूँ दो कुलियां के आस पास मैं जड़ा मैं तलिया, हूँ एक बार छान लेंगे। वैसे तो साफ ही डिपार्टमेंटल स्टोर तो लेना ना, उ साफ हूँ सारा कुछ। हूँ ये पावे बेकिंग सोडा, बस बहुत बेकिंग सोडा जरा फुला देता है किसी भी चीज़ में। हम इन दोनों मिक्स कर लेंगे। थोड़ा जो ऑयल पा देंगे क्योंकि जमें पूड़ियाँ हो गई भटूरे हो गए इन्होंने ऑयल पैंदा ही पैंदा है, ये अंदर चिकने हो जाते हैं। फिर आखो एवं होना चाहिए चाहिए, ठीक है। हम जो म्यून तो अपना पूरा, तो हम पा लें अपना दही, दही होनी चाहिए खट्टी। मैं सारी रात तक फ्रिज ओवन रख छे तो उसे खट्टी क्योंकि उसे गर्मी होती है ना बिल्कुल। इनू घट तो घट भी घंटा लगे रह जरा आटे में ना, फिर उस तो बाद भटूरे बनाओगे ना वो वधिया बनने के। हम जो दही रल गया थोड़ा थोड़ा पानी पा के आटा गुनना, देख सकते हो बेकिंग सोडा पान कर देना
ਜਿਹੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯੀਸਟ ਪਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯੀਸਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੀਸਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਟੂਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਟੂਰੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਣਗੇ। ਚਿਕਨਾ ਹੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡੋ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਪ ਚਿਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਟੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਸਿਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਧੁੱਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀ ਸਟੀਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਕਾਤੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣੀ। ਆ ਜਾ ਸੋਨੀ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਯਾਦ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਭਾਦਗੜ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਫੁੱਕਾ। ਤੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਡੇਢ ਕੜਛੀ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਤੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਚਮਚ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਗ, ਕਾ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝਟਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਿੰਗ ਨੂੰ। ਹਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੰਢੀ ਲਸਣ ਦੀ ਹੀ, ਇੱਕ ਗੰਢੀ ਅਦਰਕ ਦੀ ਹੀ, ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਚਾਪਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਜਣ ਦਵਾ ਕੇ ਭੁੱਜ ਕੇ ਲੱਛਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। 3 ਪਿਆਜ਼ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਨਾ, 2 ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਇਹ ਮਿਰਚ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੌਖੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਿਵਰਸ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਿਵਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ ਯੂਜ ਕਰੋ,
बार बार वैसे ज़्यादा नहीं किसी चूल्हे पर क्यों कम कर दो, गैस का यूज करो, गैस का यूज करो। इस करके जो है मैं गैस से आ गई हाँ, पर अब एक अपने बड़े नहीं ना तो छोले भटूरे बनाने ही, मैं छोले जड़े चूल्हे तो बहुत ज़्यादा पैसे बन रहे, इस करके जो मैं अब चूल्हे पर बना दूँगी। हाँ कुछ कुछ वीडियो जी मैं दो सारे व्यूवर्स का ध्यान रखाँगी, जो कुछ वीडियो आप पाती है चूल्हे पर, कुछ वीडियो पाती है गैस की, है ना। वैसे तो फ्लेम कंट्रोल करना कोई औखा नहीं है, ज़्यादा कि एवं चूल्हा बालन का चार जाने चाहिए, बुझाने का भी कोई दिक्कत नहीं है, जो उन्होंने छड़ के पिछले हो जाए आप ही बहुत जाना और लिया कोई पानी पाना होंगे। जब बहुत सारे चैनल खोलते हैं मैंने ना बिच मैसेज आता है कि गवार सिर पर चुनी लगी है, तो चलो महाराज की कृपा ना हम जो सारे चैनल वालिया आ रही ना सिर पर चुनी लग रही है। हम रियल लाइफ में वेखिए लोगों ने चुनी लैनी छड़ छी है। मेरा बर्थडे बॉय अज एक अपना बर्थडे है, अज ना मैं आराम न उठन दिता, मैं अज सरदार जी अज उठे 9:30 बजे, अगर स्कूल जाना होंगे ना स्कूल की छुट्टी करवाई सी, तो मैं हाँ चलो अज छुट्टी करा लें ताकि 12:45 तक जन्मदिन मतलब जन्म लेना। इस तरह मैं हॉस्पिटल सी पहले मेरे को एक फोन आया सी, वो आंटी कह रहे थी कि जेडे ना मेरे मुंडा है वो ना भी नशिया में पै गया है, तो मैं उस बहुत परेशान हाँ परेशान। मैं फिर उन्होंने कह रही मैंने तुम वाहगुरु मंत्र का जाप करवाया करो, मूल मंत्र का जाप करवाया करो, वो कोलो तो हौली हौली सही हो जाएगा। तो पता की होंगे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना तो उदो ही उन्होंने इस लाइन में जुड़ जाए, क्योंकि कच्चा घड़ा है ना कच्चे घड़े को जोड़ा पकाना कच्चे घड़े जाना आप कच्चे घड़े में शेप देवे ना वो ही शेप वो आ जाएगी, जो पक्के घड़े को आप शेप देने की कोशिश करिए वो कभी भी नहीं आती हैगी। हम एक महीने मैं इन्हों सवेरे सवेरे कहनी हाँ चलो उठ के जा तो प्या के पाठ करवानी हाँ मैं, तो बाणी भी वाहगुरु बोलती है वो वैन बोलती वाह गुरु। तो इस नाल जिहड़ा बच्चे नूं आपां बेस बनाइए ना, एक जिहड़ा एक ना मैं भाई जी की वीडियो वेखदी पई हाँ, तो उन्होंने की कहा कहिंदे मावां जिहड़ियां कहिंदियां इह बच्चे जिहड़े जूड़ा नहीं कराउंदे हैगे इह तां वाल कटा दिंदियां, कहिंदा कहिंदा तुसीं कहिंदा बच्चे ते रोटी भी नहीं खाना चाहुंदे, बच्चे स्कूल भी नहीं जाना चाहुंदे, वह तुसीं किस तरह हैंडल कर लैंदी है, जे वाल कटा गए वाल कटाई जाते तो वाल क्यों कटाती है, तुसीं अपने क्यों नहीं कटाती है, नाल तुसीं भी पट्टे कराया करो। तो मैंने गल बहुत वधिया लगी, मैं इस करके शेयर की भी वाल ना कटाओ न्याण ने, क्योंकि मावं ही बेस बना सकती है। मैं पहले भी एक वीडियो में बोल रही कि आप लोग ही बेस बना सकते हैं बच्चों का, तो बच्चों ने केसा उन्होंने प्यार करना सिखाओ, उन्होंने दसो कि साढ़े गुरु जी मोह रहे हम जो प्याज कुछ हद तक हो चुके हैं, तो इन्होंने थोड़े जो होर भुन लाँगे थोड़े जो होर भुन लाँगे, बस टमाटर एक नहीं पाना है, तड़का अपना हो चुका जब आप अलग तो तड़का पाने ना उस खुशबू जी बहुत ज्यादा सोनी आती है, जोड़ा एक जरा तरीका है ना जरा आप पा दें तो जी खुशबू घट आती है। तड़का बच पाता है मैं तेन ना 2 मिनट उत्ते रखा। हम जो चना मसाले ना एक चम्मच आ पा देंगे, क्योंकि चना मसाले ना जो फ्लेवर बहुत ज्यादा बच जाता है, देखो कितनी संघनी होगी ना सब्जी, थोड़ा जी देर थोड़ी जी देर रिजन देना सिर्फ भटूरे ना खाने वास्ते जी सब्जी बिल्कुल तैयार है, हम थोड़ी देर रिजन देव सिर्फ छोले जड़े वेख सकते कि संघने हो गए ने, तो हम मैं अग पिछड़ बिच ना बिल्कुल ठंडी करती सी माड़ा मोटा सेक ही है, हम मैं नीचे उतार लाँगी। भटूरे वास्ते तेल राइस ब्रेन ऑयल है, रिफाइंड ना यूज करे तो रिफाइंड हार्मफुल होंगे। हम जड़ा
मैदा भी जरा बिल्कुल लग के तैयार है। बड़ी मच गई ले लेंगे। थोड़ा हूँ इन हाथ का छड लग बस हल्का जहा खाओगे? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। खाओगे सुक्के लगाएगा सुक्के वधिया बने पानी पानी क्यों जब बने वधिया हेलो सुक्का खाओ आप भी सुक्के खाओ तो मेरा 20 साल का तो कौन एक अंदर डैडी को खा रही है मेरा तो 20 साल का तो तजुर्बा 20 साल का तो तजुर्बा है ले मेरा चले थैंक यू मेरा कार्ड सरजीत तू तो हलवाई फेल करता कसम ना दही पहले सोने इधर उते खाओ दो छोले दी सब्जी से क्या नजारा है दो टुकड़े इतनी स्वाद छोले दी सब्जी वाह इस पे मम्मा ने कट भी मिला रखी है नहीं कट अलग है छोले अलग है मम्मा इस पे कट मिला है अगर तुमको ये पसंद आई लाइक से सब्सक्राइब करो बाय बाय सारे मुझे मैसेज पे हैप्पी बर्थडे के बाय बाय दीदा बाय।